गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज उसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लाए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो। ये देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेट दिया है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। हमने आपको बताया था जेड क्या है, इंटीजर्स है। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को। एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 20, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मतलब हमें ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिनका स्क्वायर कर दें तो वो 20 से लेस आए। अब आप ऐसा इंटीजर सोचिए, इंटीजर्स जीरो जीरो रखेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो, 20 से कम। वन रखे, वन का स्क्वायर 20 से कम। टू, टू का स्क्वायर फोर, 20 से कम। थ्री, फोर, फाइव लिखेंगे, फाइव का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो उससे तो ग्रेटर हो जाएगा, तो फाइव नहीं लिखेंगे। यहाँ होल नंबर कहता है तो यहाँ पे हम लोग का सेट कंप्लीट हो जाता, बट यहाँ इंटीजर कह रहा है तो इंटीजर तो निगेटिव भी होते हैं, तो निगेटिव भी चेक करना होगा। जैसे माइनस वन, क्योंकि माइनस वन रखेंगे हम लोग तो माइनस वन का स्क्वायर विल बी लेस देन 20, सो माइनस वन विल एग्जिस्ट ऑल्सो इन सेट। माइनस टू विल ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस सेट। माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर 9। माइनस फोर, माइनस फोर का स्क्वायर 16 विच इज़ लेस देन 20। माइनस फाइव नहीं होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको ये देखना है कि एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर्स को, होल नंबर को, रियल नंबर को, ये देखना है। और क्या कंडीशन है, कंडीशन देखना या इंटीजर देखें हम लोग। इंटीजर होता है जीरो, माइनस वन, माइनस टू अप टू इन्फिनिटिव, वन टू अप टू इन्फिनिटिव। अब इसी में से हमें सेलेक्ट करना था जो लेस देन 20 दे, तो ये ओके। क्वेश्चन टू देखते हैं, बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड मॉड एक्स लेस देन 2। मीन्स एक्स की ऐसी क्या क्या वैल्यू रख दें जो लेस देन और इक्वल टू 2, 2 से कम आए या 2 के इक्वल आए। तो अगर हम लोग जीरो पुट करेंगे तो मॉड जीरो की वैल्यू जीरो, 2 से कम आएगी। वन पुट करेंगे, वन 2 से कम, 2 पुट करेंगे 2 के इक्वल। अगर माइनस पुट करें, माइनस वन, माइनस जीरो तो होता नहीं, माइनस वन ये भी 2 से कम आएगी। माइनस टू ये 2 के इक्वल आएगी। और बाकी कोई वैल्यू पुट करें तो 2 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, दिस इज द आंसर। बहुत ही आसान। एक्स सच डैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रोपोर्शन। एक्स यहाँ पे क्या है, लेटर है। किस वर्ड का, इस वर्ड का। तो बस लेटर को हम लिख देंगे पी कॉमा आर कॉमा ओ, फिर पी आ गया। सेट में एक ही एलिमेंट को हम एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं, सेट में एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं। ये सेट लिखने का तरीका है। पी आर ओ, पी लिख दिए नहीं लिखेंगे, ओ लिखा चुका है, आर भी लिख चुके हैं, टी न्यू लेटर, आई न्यू लेटर, ओ लिख चुके हैं, एन न्यू लेटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में लिख दिए इसको। और ये कौन सा फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म। फिर चेक कर लीजिए, पी हो गया, आर होगा, ओ पी आर ओ लिख ही चुके हैं, टी आई ओ लिख चुके हैं, एन। याद रखिएगा ये हम सेट में एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे, तीन बार नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए, आपको हम एक ऐसा लेके आए हैं जो ये है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए ज़रा देखा जाए इसको रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले तो ये लिख ही दीजिए, एक्स एज डैट एक्स बिलोंग्स टू, या एक्स एज डैट एक्स इक्वल टू। अब आप सोचिए कि ये क्या है, एक्स किस टाइप का है। यहाँ देखिए थ्री के मल्टीपल्स हैं, तो अगर यहाँ हम लोग थ्री एन लिख दें,
लेकिन n की जगह अगर कोई माइनस वन रख दे तो माइनस थ्री आ जाएगा, तो इसमें माइनस थ्री है नहीं। अब हमें बताना है कि ये n क्या है। तो n क्या है, देखिए जीरो तो लाना है, मतलब n की वैल्यू जीरो रखनी है, तो जीरो आएगा। जीरो के बाद वन रखेंगे तो वन इंटू थ्री थ्री आएगा। टू पुट करेंगे, टू थ्री जा सिक्स आएगा, थ्री पुट करेंगे नाइन, फोर पुट करेंगे ट्वेल्व, एंड सो ऑन ऐसे जा रहा है। तो मीन्स जीरो वन टू ये रखने पे आ रहा है, और जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन होता क्या है, होल नंबर होता है। तो हम यहाँ सिंपली इसको लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू थ्री एन कॉमा एन बिलोंग्स टू होल नंबर कॉमा एन बिलोंग्स टू होल नंबर। एन क्या है, एक होल नंबर है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर दिए, समझ में आया सबको। आते हैं इसको देखते हैं, इसके फॉर्मेट को देखिए, ठीक है ये बी है, तो बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, अब सोचना है इसका क्या है। तो ये देखिए वन है, वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, कहाँ तक, टेन का स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन कोई एन की जगह एलेवन रख दिया तो 121 आ जाएगा, वो तो है नहीं। तो एन को डिस्क्राइब करना होगा, एन कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो एन जो है वो हमारा वन से लेके टेन तक है, मतलब वन से ग्रेटर और टेन से लेस, लेकिन वन के इक्वल भी है क्योंकि वन का स्क्वायर वन, तो इक्वल भी लगाएंगे, और हंड्रेड आएगा टेन रखने पे, तो टेन के इक्वल भी है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे गलती क्या होता है, वन से टेन के बीच में 1.5 भी तो आ सकता है, 2.3 भी आ सकता है, उसके स्क्वायर्स उसमें है नहीं। तो वन से टेन के बीच में हमें केवल कैसा नंबर लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। इसलिए आपको यहाँ बताना होगा कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन क्या है ये भी बताना होगा, जैसे यहाँ बताए थे ना एन क्या है, होल नंबर। तो यहाँ भी आपको बताना होगा नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत है, वन टू इनफाइनाइट है। तो कौन से नेचुरल नंबर, वन के इक्वल ग्रेटर एंड टेन के इक्वल लेस। आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक स्टूडेंट व्हाट्सएप पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, अब आई होप कि वो सॉल्व कर सकता है। उनका क्वेश्चन भी हम यहाँ लिख दें, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल है तो 2n लिख देंगे, और एंड सो ऑन है तो n कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, नेचुरल नंबर को, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/2, देखते हैं यहाँ कॉमन क्या है कि सबके न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ 1 तो होगा ही। नीचे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर, तो n लिख दें और बता दें कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कंप्लीट हो गया। n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे आएगा, राइट गाइज। इसको आप समझेंगे, अगर आपको ना समझ में आए, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो एक बार फिर से वीडियो को आप देख लेंगे। अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको सोचिए, ठीक है, 2-3 मिनट सोचिएगा, फिर वीडियो ऑन करके देखिएगा। इसका सलूशन हम यहाँ बता रहे हैं, ये देखिए 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/ इसके फॉर्मेट को देखते हैं। यहाँ देखिए 1/2 क्या रिलेशन हो रहा है इसमें, ये देखते हैं। देखिए 1 है तो नीचे 2 है, 2 है तो 4 है, मीन्स इसके स्क्वायर से एक अधिक है। देखिए ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आएगा, 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना आएगा, 10, तो मिल गया ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर जो भी नंबर रहेगा उसके स्क्वायर से एक ग्रेटर नीचे रहेगा। आप चेक करिए जरा, 1 पुट करिए, तो 1 पुट करिए तो 1 मिल गया, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 मिल गया, 2 पुट करिए 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 मिल गया, 3 पुट करिए 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 मिल गया। लेकिन ये रखना n है क्या, नेचुरल नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर, 1 से ग्रेटर इक्वल एंड 7 से लेस इक्वल, और कोई नेचुरल नंबर नहीं, केवल 1 और 7 के बीच में और उसके इक्वल भी। तो दिस इज द आंसर। आई होप अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन करने में थोड़ा सा
कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप ज़रूर पूछें। टाइप्स ऑफ सेट अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सेट पढ़ रहे थे, अब सेट के कितने टाइप्स हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी, इसको नल भी बोलते हैं, वायड भी बोलते हैं। अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी और नल और वायड सेट इफ़ इट हैज़ नो एलिमेंट्स, अगर इनके पास कोई एलिमेंट नहीं है। एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ही ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, और इसको डिनोट करेंगे फाई से। इसको फाई बोलते हैं, जीरो लिख के ऐसे कट कर दिए, इसको क्या बोलेंगे फाई, इसको क्या बोलेंगे फाई, ठीक है। अच्छा, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहले ये देख लीजिए, रोस्टर मेथड में फाई को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, केवल ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब जैसे एग्जांपल एक हम देखें, किसका स्क्वायर करने की -2 आ जाए, रियल नंबर। ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर कर दें तो -2 आ जाए, कोई नहीं, तो दिस इज एम्प्टी सेट। अच्छा बताइए, ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 और 6 के बीच में आता हो, 5.5, 5.2 ये सब तो होगा, लेकिन नेचुरल नंबर कौन सा है जो 5 और 6 के बीच में है, कोई नहीं, तो दिस इज एम्प्टी सेट। ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है, बहुत ही आसान, क्लियर हो गया आपको। सिंगलटन सेट देखिए, ऐसा सेट जो कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जिसका स्क्वायर कर दें तो 9 आए, 3, और कोई 3 के अलावा, सर -3 भी होगा, लेकिन हम नेचुरल नंबर पूछ रहे हैं, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 3 के अलावा सोचिए कोई नहीं, इसका केवल एक ही एलिमेंट आएगा 3, तो दिस इज अ सिंगलटन सेट। ऐसा जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आए उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। आगे देखते हैं क्या है गाइस, फाइनाइट सेट। अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वायड सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, मतलब जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको 1, 2, 3, 4, 5, 20, 100, 50, 60 जितना भी हम लोग काउंट कर सकें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और वायड जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, और जिसको काउंट कर लेंगे उसको भी क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे हम बोलें एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन, या ऐसे लिख दें एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर काउंट कर सकते हैं कि नहीं, तो दिस इज फाइनाइट सेट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कार्डिनल नंबर क्या होता है फाइनाइट सेट का। कार्डिनल नंबर देखिए, अ नंबर एन इन एवब डिफिनीशन इज कॉल्ड अ कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट ए, मतलब जितने एलिमेंट रहेंगे उसको हम कार्डिनल नंबर बोलेंगे। जैसे हम बोलें अ नंबर लेस देन 100, ऐसा नेचुरल नंबर जो 100 से कम हो, तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 99, 1, 2, 3 कहाँ तक, 99, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 99। अब देखिए यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। देखिए अगर दो फाइनाइट सेट हों और उनके कार्डिनल नंबर सेम हो तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दें, जैसे 1, 2, 3 लिखा हो और यहाँ लिखा हो ABC, तो ये दोनों सेट तो डिफरेंट हैं बट कार्डिनल नंबर मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज ऑल्सो 3, सो कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ सेट आर इक्वल, सो दीज टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। बट इक्वल सेट क्या होगा, जिसमें मेंबर सेम हो, जैसे ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू 3, 2, 1। देखिए जो इसमें एलिमेंट हो वही इसमें एलिमेंट होने चाहिए, ऑर्डर चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो इस ए और बी को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। तो वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। इफ टू फाइनाइट सेट हैव सेम कार्डिनल नंबर
then it is said to be equivalent. But if same element, it is said to be equal. Equal set ko क्या हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं. एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट. कोई कहे सर इसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल. इसमें भी तीन एलिमेंट, इसमें भी तीन एलिमेंट, इक्विवेलेंट सेट है. तो एवरी इक्वल सेट इज सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंस एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट सेट टू बी इक्वल सेट, क्योंकि ये दोनों इक्वल तो है नहीं. तो इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कह सकते, लेकिन इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं. तो आज के वीडियो में इतना ही. आप इसको रिवाइज करें. इसके आगे के टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.